ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन होगा, ये पांच मोर्चे हैं जिनका विधानसभा पर सम्मेलन होगा, हमारे बूथ का एक सम्मेलन होगा, सातवां सम्मेलन लाभार्थियों का सम्मेलन होगा उस विधानसभा में जो लोग हैं। तो एक कार्यक्रम हमारे चल ही रहे हैं, उस कार्यक्रम में सम्मेलनों में लाभार्थियों का भी एक कार्यक्रम है। आपकी विचारधारा से जुड़े धरोहर बचाओ समिति एक बनी हुई है जो आपकी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं। कल उन्होंने रोजगार मिशन महादेव मंदिर, चूंकि मुख्यमंत्री गई थी, ये कहा कि वो अशुद्ध हो गया है, उसके शुद्धिकरण के लिए गंगा जल से उस मंदिर को पवित्र किया गया, इसको किस तरह देखते हैं आप? मेरी जानकारी नहीं है क्या है मामला, नहीं, लेकिन आप ही विचारधारा के लोग हैं, मुख्यमंत्री के जाने से कहते हैं कि मंदिर अपवित्र हो गया, इसको किस तरह देखते हैं? मेरा तो उस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या विषय है, क्या है मंदिर, क्या है क्या नहीं है, इसमें मैं कुछ उनका आरोप होगा भाई, मेरे को भी तो जानकारी चाहिए ना कि कल हम सब लोगों की स्थिति क्या रही होगी। आप भी कल्पना कर सकते हैं, इन चीजों पर ध्यान देने का, समझने का, सोचने का समय हमारे पास नहीं है। प्रदेश कार्यालय भाई उनका आरोप ये है कि जब चुनाव आते हैं तब राम और गाय की बात तो करते हैं, लेकिन जब सरकार आती है तो जैसे उन्होंने जिक्र किया कि इतने सारे मंदिर तोड़े गए जयपुर में भी, फिर क्यों इस तरह का मतलब मुख्यमंत्री सब कर रहे हैं? कुछ सार्वजनिक कामों के लिए, जन सुविधाओं के लिए कुछ निर्णय लिए जाते हैं, कोशिश ये रहती है कि जनता की मन के अनुसार सरकार निर्णय लेती है, कहीं थोड़े बहुत विरोध भी होते हैं, उनको समझाइश से निर्णय लेना पड़ता है। क्या इनको भी समझाया जाएगा, इन कार्यकर्ताओं को जो विरोध? हाँ, कार्यकर्ताओं को सबको समझाते ही हैं, जनता को भी समझाते हैं। वैसे प्रदेश कार्यालय में दो अहम बदलाव देखे गए हैं, पहला चीज कि अगर तुम जितने भी आएंगे वो एंट्री करके आएंगे, दूसरा शहर कार्यालय को जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, तो क्या और बदलाव भी देखे जाएंगे, क्या कुछ और ऑफिसेज ऐसे होंगे जो शिफ्ट किए जाएंगे प्रदेश कार्यालय से? ऐसा नहीं है, ऐसा है कि ये चुनावी वर्ष है, काम का दबाव आने वाला है, कुछ व्यवस्थाएं बदलना हमको आवश्यक लगता है, तो हमारे संगठन के रचना का काम है, इसमें हम कहाँ क्या करें क्या नहीं करें, ये हमारे सुविधाओं के लिए है, व्यवस्था ठीक प्रकार की उसके लिए हम करते ही। एक यात्रा की समाप्ति पर नरेंद्र मोदी जी के आने के संकेत दिए गए थे, क्या पीएमओ से स्वीकृति आ गई? अभी वो संकेत कायम है, कोई बड़ा चेंजेस हुआ तो आपको जानकारी देंगे। भरतपुर संभाग की यात्रा भी स्थगित हुई है, तो क्या मोदी जी के कार्यक्रम के बाद में भरतपुर जाएंगे या बीच में भरतपुर जाके फिर उसका समापन करेंगे, होगा भरतपुर का दौरा? देखें कार्यक्रम को नया स्वरूप किस प्रकार काम दें, उस समय क्या स्थिति रहती है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने के भी उन दिनों में संभावनाएं रहती है, तो देखेंगे उस समय क्या स्थिति बनती है। भरतपुर का करेंगे, किसी न किसी रूप में करेंगे, यात्रा के रूप में होगा कि जनसंवाद के रूप में होगा, मुख्यमंत्री जी का जाना तो। एक आप लोग बूथ सम्मेलन कर रहे हैं, इसको लेकर कोई निर्देश दिए गए? किसको? बूथ सम्मेलन जो कर रहे हैं जगह जगह पर, इसको लेकर कोई निर्देश दिए, किस किस की फोटो लगेगी, किसकी नहीं लगेगी, जो वहाँ का विधायक है उसकी लगेगी कि नहीं लगेगी, प्रत्याशी? नहीं, ऐसा है कि सामान्य रूप से हमारा आग्रह रहता है पंडित दीनदयाल जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो जरूर लगे, माननीय वसुंधरा जी की फोटो जरूर लगे, सामान्य रूप से कार्यकर्ताओं की इच्छा ही रहती है, इसमें कोई निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्य स्वभाव और आदत हम लोगों की बनी हुई है। और किसी की फोटो के लिए नहीं लगे तो इसमें शामिल है, इसके अलावा और किसी की फोटो के लिए निर्देश थोड़ी दे रखा है आपको? नहीं, कोई इसके बारे में कोई निर्देश भी नहीं देते, कई बार भूल जाते हैं कार्यकर्ता, भूल भी जाते हैं, ध्यान भी नहीं रहता, हो सकता है। फोटो के बारे में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्रधानमंत्री जी की रहनी चाहिए, अध्यक्ष जी की रहनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी की रहनी चाहिए, ऐसे रहनी चाहिए, बस इतनी बात है। सरकार ने पहले भी कार्यक्रम लिए हैं, आपका जिला, आपकी सरकार, जनसंवाद कार्यक्रम, अपरासन गौरव यात्रा, पूरी तरह से पूरे प्रदेश में पूरा जा नहीं पाते, उससे पहले दूसरा कार्यक्रम हो जाता है, पूरे हो नहीं पाते, आपका जिला, आपकी सरकार, पूरे जिले के बंदी हुए, ऐसे जनसंवाद कार्यक्रम में भी कुछ जिले छूट गए। हम जनता के बीच में रहते हैं, सरकार कोई बहुत काम रहते हैं, कई तात्कालिक काम आ जाते हैं जिसके कारण कुछ कार्यक्रम बदल जाते हैं, ये
होता ही है, कार्यक्रमों की प्रायोरिटियाँ बदल जाती है ना, बहुत बार बदलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यक्रम का फिर स्वरूप बदल जाता है समय के अनुसार। ठीक है, आप चाय पीकर जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, जिन्होंने राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर जानकारी दी है। बता दें आपको, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन को देखते हुए भरतपुर में होने वाली इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और अब जोधपुर जाएगी राजस्थान गौरव यात्रा।